Assalamu alaikum. I'm Mia Said Akbar and you are watching Study Page. This is the third part of the 7th lecture of Web Design and Development course. In the 7th lecture, we have started Bootstrap, a design framework for creating responsive web pages. In this lecture, we are going to study about the alignment of rows and columns. What alignment means? For example, aapke paas is row mein कॉन्टेंट्स है, थ्री कॉलम्स है, और अगर आप देखें तो ये थ्री कॉलम बिल्कुल टॉप पे है, मतलब ये कि हॉरिजॉन्टली बिल्कुल टॉप के साथ या वर्टिकली ये बिल्कुल टॉप के साथ इसके कॉन्टेंट अलाइन है। सिमिलरली अगर आप सेकंड रो में देखें तो जितनी भी कॉन्टेंट है वो सेंटर में है, और थर्ड रो में जितनी भी कॉन्टेंट है वो बिल्कुल बॉटम पर है। तो अगर आपने इस तरह पूरी रो को अलाइन करना हो, फॉर एग्जांपल आपने एक रो लिया है, उसको आपने हाइट दिया है और आप चाह रही है कि इसके जो कॉन्टेंट है वो सेंटर में आ जाए, तो आपने जस्ट इसके साथ ये क्लास लिखना होगा अलाइन आइटम्स सेंटर, अलाइन डैश आइटम्स डैश सेंटर। एंड अकॉर्डिंगली इफ़ यू वॉन्ट योर कॉन्टेंट टू बी एट द बॉटम ऑफ द रो, यू विल राइट द क्लास अलाइन आइटम्स डैश एंड। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके कंटेंट बिल्कुल टॉप के साथ हो, तो आपने ये क्लास यूज़ करना होगा अलाइन डैश आइटम्स डेट डैश स्टार्ट। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हर एक कॉलम के कंटेंट अलग अलग हो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम की कंटेंट टॉप पे हो, सेकंड कॉलम की कंटेंट जो है वो सेंटर अलाइन हो वर्टिकली, और थर्ड कॉलम के कॉन्टेंट्स जो है वो बिल्कुल बॉटम के साथ हो, तो इसके लिए आपने हर एक कॉलम के साथ क्लासेस लिखने होंगे अलाइन डैश सेल्फ डैश स्टार्ट या सेंटर या एंड, डिपेंडिंग ऑन द अलाइनमेंट ऑफ ईच कॉलम। तो प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं या हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसको कॉपी करते हैं और उसमें एडिटिंग करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ लेक्चर 7.3 बूटस्ट्रैप, और ये फाइल हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट किया था। सो ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, ये हमने क्रिएट किया था, इस तरह करते हैं कि बॉडी के अंदर जितना भी कंटेंट है वो रिमूव करके दोबारा इसको लिखती है। ओके, सो हमारा ये वेब पेज जो है एम्प्टी हो गया। अभी इस तरह करते हैं, एक ड्यू क्रिएट करते हैं एंड दिस ड्यू विल बी कॉन्टेनर, ठीक। अच्छा, कंटेनर के अंदर इस तरह करते हैं, एक रो लेते हैं ड्यू क्लास रो, क्योंकि हमारे पास कंटेनर के अंदर रोज होती है और रोज के अंदर फिर कॉलम्स होते हैं, तो इस तरह करते हैं थ्री कॉलम्स लेते हैं ड्यू क्लास कॉल, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक पैराग्राफ लेते हैं, रैंडम टेक्स्ट लेते हैं। ओके, इसको कॉपी करते हैं इस कॉलम को, ठीक है। पेज को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सो ये हमारे पास एक रो आ गया जिसके अंदर थ्री कॉलम्स है। ओके, अब इस तरह करते हैं, इस रो पर कुछ प्रॉपर्टीज़ इस तरह अप्लाई करते हैं CSS की, ताकि हमें पता चले कि जो ऑपरेशन हम यहाँ या जो स्टाइल हम अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि वो क्लियर नहीं नज़र आए। एक तो एक बॉर्डर अप्लाई करते हैं, सो बॉर्डर 1 pixel सॉलिड और सॉलिड और हैश CCC। ओके, दूसरा ये कि इस पर हाइट अप्लाई करते हैं, ताकि हमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट नज़र आए, आसानी से हमें नज़र आए जो अलाइनमेंट हम करना चाहते हैं, ठीक है। सो हाइट विल बी 400 pixel या इस तरह करते 300 pixel, ठीक। रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, तो ये हमारा एक रो है यहाँ से बिल्कुल टॉप से यहाँ एंड तक है, ठीक है। कंटेनर का स्पेलिंग ठीक नहीं है। ओके, अभी ठीक हुआ, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड पर मार्जिन आ गए। ओके, नाउ आई वांट दिस रो कंटेंट ऑफ दिस रो टू बी इन सेंटर, तो सेंटर में लाने के लिए यहाँ रो के साथ मैं क्लास लिखूंगा अलाइन डैश आइटम्स डैश सेंटर।
तो देखिए जितनी भी कंटेंट इसके अंदर होंगे वो सेंटर अलाइन हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बॉटम में आ जाए तो इस तरह करते हैं, इस रो को कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसके जो कंटेंट है यहाँ जस्ट क्लास इन लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बॉटम अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अभी दूसरे रो में हमारे पास जितनी भी कॉन्टेंट है वो बॉटम अलाइन है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हर एक कॉलम इस रो के अंदर हर एक कॉलम की कंटेंट अकॉर्डिंगली उसकी अलाइनमेंट चेंज हो, तो रो के बजाय हम यहाँ कॉलम के साथ क्लास लिखेंगे एंड दैट इज़ फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट कॉलम के जो कंटेंट है वो बिल्कुल बॉटम में हो, तो यहाँ हम क्लास लिखेंगे अलाइन डैश सेल्फ डैश एंड। देखिए हमारे पास फर्स्ट कॉलम की कंटेंट जो है बिल्कुल एंड में आ गई, सेकंड की मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए तो यहाँ इसके साथ हम लिखेंगे अलाइन डैश सेल्फ डैश सेंटर, सेव कर दे, पेज को रिफ्रेश कर दे। देखिए ये कंटेंट सेंटर में आ गई और ये टॉप पे है, और अगर आप वो स्टेप क्लास इसके साथ लिखना चाहते हैं तो अलाइन डैश सेल्फ डैश स्टार्ट, स्टार्ट इज़ फॉर टॉप, ठीक है। तो देखिए ये कंटेंट हमारे पास स्टार्ट में है। सो दिस इज़ हाउ वी अलाइन कंटेंट इन रोज एंड कॉलम्स। सो ये क्लासेस है, प्रैक्टिस करें इसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट येट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।